हेलो बच्चों, कैसे हैं? 11 का वर्गमूल कैसे निकालें? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल को अंडरूट 11। यहाँ पे विधि लेंगे हम भाग विधि का, में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ये दो अंक की संख्या का वर्गमूल भाग विधि में शुरुआत कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। इसके लिए हम देखिए, 1 से लेकर 9 तक एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका 11 से बड़ा ना हो। तो जैसे हमने 3 × 3 लिया, तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगने लग जाएगा, 11 से बड़ा नहीं है। इससे फिर एक बड़ी संख्या लेकर देखो, 16 आ गया, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। किसको लेना है? 3 × 3 को। ओके, समझ गए। फिर इसका गुणा यहाँ लिखना है, एक बार इसको ऊपर लिखना होता है, उसके बाद इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। अब आगे प्रक्रिया करने के लिए हम 11 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.00000, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, दो दो जीरो को एक साथ ले लेते हैं। आगे के जीरो को काम में लेने के लिए इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट यहाँ आपका ऊपर आ जाता है। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। वही 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को देखना है। जैसे हम 3 को लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं, देखिए 200 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। किसको लिया हमने? 3 को। फिर हमने इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना होता है, ठीक है। घटाने पे कितना आ गया आपका? 1 और 1। फिर ऊपर से यहाँ ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे हम 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, फिर इसको घटाएंगे और जोड़ेंगे। ये स्टेप इस प्रकार से आपके आगे रिपीट होते रहेंगे। सॉरी, किसको लिया हमने? 1 को लिया यहाँ पे। ओके, गलती हो गया यहाँ पे। कितना आ गया आपका? 3.31 आ गया। इस प्रकार से 11 का वर्गमूल हमने निकाला है। जिस संख्या को लेंगे यहाँ ऊपर लिख देंगे, ठीक है।